नमस्कार, हाजिर एक बार फिर से आपके साथ उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को लेकर। सारी खबरें एकदम विस्तार से बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। शाम से अगले 3 दिन तक मानसूनी बारिश के आसार, गर्मी से परेशान लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ, बता दें कि गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बता दें कि सूबे के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ठिठके अटके मानसून को बंगाल की खाड़ी से उठ रही नम हवाओं का सहारा मिल चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्व में ही कहा था कि मानसून तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि इसको पर्याप्त मात्रा में नमी का सहारा नहीं मिलता। अगली बड़ी खबर, वृंदावन पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, ठाकुर बांके बिहारी का किया दर्शन पूजन। जी हाँ, बता दें कि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ठाकुर बांके बिहार की शरण में पहुंचे हैं। बता दें कि नगला रामपाल स्थित कृष्णा कुटिल महिला आश्रय सदन पर बनाए गए हेलीपैड से कार द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के VIP मार्ग पर पहुंचे। बता दें कि यहां से गोल्फ कार्ट गाड़ी में बैठकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर तक अपनी पत्नी व बेटी के साथ पहुंची। उनके साथ दूसरी गोल्फ कार्ट गाड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर आए। वहीं अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ उपचुनाव हार के बाद मायावती ने कार्यकर्ताओं से की ये अपील। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि आजमगढ़ की तरह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विशेष समुदाय को गुमराह होने से बचाना है, कार्यकर्ता अभी से इस काम में जुट जाएं। मायावती ने आज ट्वीट कर बसपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखने की अपील की है। बताने को उन्होंने कहा है कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बसपा की पूरे UP में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलनी है तो भी संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले मकानों में होंगी सारी सुविधाएं, योगी सरकार का निर्देश। आपको बता दें कि शहरों में गरीबों के लिए मकान बनाने में अब मनमानी नहीं चलेगी। EWS या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने वालों को भी सभी जरूरी सुविधाएं देनी होगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्णी ने बीते दिनों विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शहरों में बनाए जा रहे छोटे मकानों, खासकर प्रधानमंत्री योजना में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसमें विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी कॉलोनियों के बारे में जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि प्रमुख सचिव आवास ने कहा है कि सरकारी कॉलोनियों में मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग बनवाए। योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रक ड्रेन, ट्रंक सीवर, ओवरहेड टैंक, नलकूप, राइजिंग मेन, पंपिंग प्लांट और पंप हाउस नगर विकास विभाग तैयार कराएगा। बाहरी विद्युतीकरण का काम ऊर्जा विभाग कराएगा। अगली बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड कंगाल इमामों को वेतन दिलाने में बड़ी अड़चन, ये है बड़ा कारण। बताने की UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और UP शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड तंग हाली के शिकार है, कर्मचारियों को भी वेतन के लाले पड़े हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के इमामों को वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी है। बताने के प्रदेश में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार सुन्नी वक्फ मस्जिदों की संख्या 3,05,407 और शिया वक्फ मस्जिदों की संख्या 384 है। पहली बार प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार करना शुरू किया है। आपको बता दें कि GIS सर्वे का काम भी जारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड कानपुर में यह काम IIT की मदद से कर रहा है। वक्फ की संपत्तियों की खोज के बाद सफलता भी मिली है। बताने की इन बोर्डों को मुतवल्ली धनराशि नहीं दे रहे। अगली बेहद बड़ी खबर, अपराधियों पर शिकंजा, सीतापुर में 4 बदमाशों की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त होता जा रहा है। बता दें कि DM के आदेश पर थाना सदरपुर पुलिस ने गैंगस्टर के 4 आरोपितों की 2.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में रोटी के ऑर्डर को लेकर विवाद, रिटायर फौजी के बेटे की पीट कर हत्या। जी हां, बता दें कि बरेली में तंदूरी रोटी के ऑर्डर को लेकर कैंट के सदर बाजार में
होटल पर बवाल हो गया। बता दें कि होटल मालिक कर्मचारियों और रिटायर्ड फौजी के बेटे में मारपीट हो गई। आरोप है कि रिटायर्ड फौजी के सिक्योरिटी गार्ड बेटे को लाठी डंडों से पीट दिया, इससे वह घायल हो गया, जिससे जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अगली बेहद बड़ी खबर, योगी सरकार ने बढ़ाया प्राइमरी के बच्चों के लिए बजट, यूनिफॉर्म के साथ देगी कॉपी पेंसिल का पैसा। जी हाँ, बता दें कि अब कॉपी पेंसिल के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस सत्र में राज्य सरकार यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के साथ ही स्टेशनरी और पेंसिल का पैसा भी देगी। इसके लिए 100 रुपए डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। बता दें कि 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए देने की तैयारी है। अभी तक कॉपी पेंसिल के लिए अभिभावकों को अपना पैसा खर्च करना पड़ता था, जिससे अभिभावक इसमें रुचि नहीं लेते थे। कुछ जगहों पर शिक्षक अपने निजी प्रयासों से कॉपी पेंसिल मुहैया करवाते थे, लेकिन अब सरकार इसके लिए अलग से 100 रुपए देने की तैयारी कर ली है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अब बिना आधार के भी कर सकेंगे यह काम। जी हां, बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप अपने आधार नंबर से लाभार्थी अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर के साथ मोबाइल पास में रखना ही होगा। यानी कि बिना ओटीपी के आप अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। इस बदलाव के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 9 बदलाव हो चुके हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, SBI ग्राहकों को बैंक जाने से मिली छुट्टी, घर बैठे एक फोन से हो जाएंगे कई काम। बता दें कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट आई है। अब आप घर बैठे एक फोन के जरिए कई काम कर पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 नंबर जारी किए गए थे। इस नंबर पर फोन करके कई काम करवाए जा सकते हैं। बता दें कि अच्छी बात यह है कि आप छुट्टी के दिन भी इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, 33,000 मुर्दे ले रहे पीएम सम्मान निधि का लाभ, रिपोर्ट में खुलासे से मचा हड़कंप, होगी वसूली। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 33,936 ऐसे किसान हैं जो दस्तावेजों में मृत होने के बाद भी पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि कृषि निदेशालय लखनऊ से भेजी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। निदेशालय की तरफ से भेजी गई सूची के आधार पर कृषि विभाग जिले की 6 तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मृतक किसानों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत साल में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शादी को भी तरसेंगे अग्निवीर, अग्निपथ योजना युवाओं को कर देगी बर्बाद, बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक। जी हां, बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कह दिया है कि अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद कर देगी, उनकी शादी भी नहीं होगी। इस योजना से सेना का सम्मान भी घटेगा, इसलिए वह पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको समझाएंगे, जिससे इस योजना को वापस लिया जा सके। साथ ही अगली बड़ी खबर, बरारी मार्ग पर पलटा रिफाइंड से भरा टैंकर, तेल भरने में जुटे सैकड़ों लोग, पुलिस ने फटकारी लाठियां। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में आज कासगंज बरारी मार्ग पर रिफाइंड से भरा हुआ टैंकर पलट गया। बता दें कि हादसा भगवान वाराह की मूर्ति के पास बने मोड़ पर हुआ। यह टैंकर गुजरात से उत्तराखंड के किच्छा जा रहा था। टैंकर पलटने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई जगह से फट गया, जिसके चलते टैंकर में भरा रिफाइंड ऑयल सड़क पर बहने लगा। आपको बता दें कि टैंकर पलटने और रिफाइंड बहने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घरों से बाल्टी और डिब्बे लेकर दौड़ पड़े और टैंकर से बह रहे तेल को इकट्ठा करने में जुट गए। टैंकर पलटने के बाद कासगंज बरेली मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया, लेकिन भीड़ के चलते पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि सड़क पर बह रहे रिफाइंड ऑयल भरने में जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। लेते हैं अगली बड़ी खबर, माफिया आतिक अहमद के फरार बेटों पर पुलिस मेहरबान, भाई की हुई थी मेहमान नवाजी। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व सांसद आतिक अहमद के फरार बेटों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं है, लेकिन उन पर प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ जरूर मेहरबान है। बता दें कि सबसे बड़े इनामी अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली बार जब आतिक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस पर मेहमान नवाजी का आरोप लगा था। अच्छा, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 33 लाख रुपए की चरस बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि बहराइच में खैरीघाट थाने की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोच लिया है। इनके पास से 33 लाख की चरस, चोरी की गई रकम, तमंचा, कारतूस व एक
मोबाइल बरामद किया गया है। दोस्तों यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। रोज के ऐसी ताजा अपडेट के लिए यूपी मौसम जानकारी को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।